कॉलेज में कोरोना का विस्फोट हो गया है। कॉलेज के 400 छात्रों में 66 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। खतरे की बात यह है कि कोरोना की डबल डोज सबको लग चुकी है, फिर भी वो वायरस की चपेट में आ गए हैं। बताया जा रहा है कि मरीजों की संख्या बढ़ भी सकती है, क्योंकि अभी तक 100 छात्रों की रिपोर्ट नहीं आई है। ये सभी SGM मेडिकल कॉलेज में MBBS के छात्र थे और ये सभी हाल ही में किसी फंक्शन में शामिल हुए थे। ये खबर सभी के लिए अच्छे संकेत नहीं दे रही है। बता दें कि ये घटना कर्नाटक के SGM कॉलेज के सभी स्टूडेंट की है। अब देखिए यहाँ पे, अगर आपको फुल वीडियो चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर चले जाइए, वहाँ से देख सकते हैं। अब ये आप सोच रहे होंगे कि सर ये आप हमें क्यों बता रहे हैं, हमें इससे क्या लाभ मिलेगा। देखिए, जिसके ऊपर गुजरी होगी वही जानता है, मेरे ऊपर गुजरी है। आइसोलेशन वार्ड में 15 दिन कैसे रहा जाता है, मैं सारी चीज़ों को अनुभव किया हूँ, सारी चीज़ें जानता हूँ। क्या तकलीफ होती है, क्या दिक्कत होती है, काफ़ी दिक्कतें होती हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आपको सतर्क रहना है, सावधान रहना है, सारी चीज़ों से बने रहना, मतलब अपने रूल्स को फॉलो करते रहना है। देखिए, वहाँ पर कोविड के कर्नाटक में कोविड के सारे जो कोविड-19 के सारे पिछले रूल्स हैं उसको लागू कर दिए गए हैं। राजस्थान के बाद कर्नाटक, अपने राजस्थान की न्यूज़ सुनी होगी, वहाँ पे पेपर भी ऑनलाइन होने वाले हैं। तो उसके बाद से कर्नाटक में भी कॉलेज के स्टूडेंट पर विस्फोट हुआ और ज़्यादातर ये छोटे बच्चों, यहाँ पे तो जो MBBS के छात्र थे कर्नाटक में उनके हुआ है, लेकिन ज़्यादातर ये छोटे बच्चों पर भी हो रहा है। अगर आपके घर में भी छोटे बच्चे होंगे तो उनको कॉलेज जाने से रोकिएगा, या फिर कोविड का अनुपालन करते हुए, मास्क लगाते हुए, उसके बाद से डिस्टेंस मेंटेन करते हुए सारी चीज़ों को बता के भेजिएगा। मेरा इस वीडियो में बताने का उद्देश्य यही है कि आप भी सतर्क रहें, सावधान रहें, मैं दूरी को बनाए रखें और सावधानी से रहें। बस ये उद्देश्य मेरा यही है इस वीडियो का कि जिसपे गुजरी है वही जानता है कैसे 15 दिन आइसोलेशन वार्ड में रहा जाता है। जब कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आप सतर्क रहेंगे, सावधान रहेंगे। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।